तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं जन्माष्टमी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। आज वीडियो में हम बनाएंगे कुआं। कुआं बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये कैंडी वाला बॉक्स लिया हुआ है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। आज मैं इसी से ही कुआं बनाऊंगी। ये मेरे पास ऐसे वेस्ट पड़ा हुआ था, इसमें पेंट लगा हुआ है, मैं इसको फेंकने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो इसका कुछ बना देते। तो मैंने हमारी झांकी के लिए, हमारी वीडियो के लिए मैंने इसके कुआं बनाने का सोचा। अब इसी से ही मैं कुआं बनाऊंगी। ये देखिए, इस पर डिज़ाइन बने हुए हैं। इस पर मैं ब्राउन कलर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ब्राउन कलर कर लिया है। नीचे भी कोई कपड़ा बिछा लिया है जिससे इसके छींटे ना पड़े और ये गंदा ना हो टेबल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ब्राउन कलर करके इसको सूखने के लिए रख दिया। ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है, जैसे जब तक ये सूखता है मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। और फिर हम क्या करेंगे कि ऐसे कार्डबोर्ड लेंगे और इसको ऐसे साइड से ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, जैसे बैम्बो की शेप देंगे। हमें यहाँ साइड पे लगाने के लिए दो बैम्बो चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ये देखिए दो पीस यहाँ लगाने के लिए ऐसे। तो ये आप क्या करें कि ऐसे कार्डबोर्ड का पीस लेके उसको ऐसे बस रोल रोल कर लें, जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना रोल करके ऐसे स्टिक बना लीजिए। और फिर इनको भी पेंट कर लेते हैं, मैं इनको भी पेंट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों को सूखने के लिए रख दिया और हमारा कुआँ भी सूख रहा है, मैंने नीचे कपड़ा रहने दिया है। और अब क्या करेंगे हम, ऊपर डालने के लिए छत बनाएंगे। कुएँ के ऊपर जो छत होती है वो मैं बनाऊंगी। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कार्डबोर्ड का पीस। इससे मैं क्या करूँगी, यहाँ से 8 इंच और यहाँ से 5-5.5 इंच का पीस काट लूँगी। और ये काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीस काट लिया है। इसकी लंबाई 8.5 के करीब है और यहाँ से ये 5 इंच के करीब है। तो मैंने इसका हाफ करके ऐसे किया है, ये देखिए, इसको ऐसे करके ऐसे ऊपर से कर दिया है एक का। तो इसको निकाल देंगे तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये हट की शेप लेगा थोड़ी सी। तो इसके बीच में लगाने के लिए मैंने ऐसे एक पट्टी सी बनाई है, वो इसके बीच में ऐसे लगा दूँगी। ये देखिए ऐसे पट्टी लगा दूंगी और ये ऐसे ऐसे होगा। इसको भी मैं पेंट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको कलर किया था, ये सब सूख गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ छत पे और यहाँ डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ मैंने देखिए वाइट कलर से थोड़ा सा डिज़ाइन डालने की कोशिश की है, ये अभी लाइट है, मेरे को डार्क कर दूँगी। तो ऐसे डिज़ाइन बना लेते हैं, ये देखिए ऐसे लूँगी ऐसे लाइनें लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ लाइनें लगा ली हैं। अब क्या करेंगे, ऐसे वाला डिज़ाइन डालेंगे, ईंट वाला। ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी मैं, ठीक ठीक करूँगी ज़्यादा, और ऐसे बीच में लाइनें लगा दूँगी। ऐसे डिज़ाइन सारे पे बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा डिज़ाइन डाल लिया है। अब क्या करेंगे कि हम इस स्टिक को इसके साथ ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ये देखिए ऐसे लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको डिज़ाइन डाल के और इसको ग्लू गन से चिपका लिया है। अब इसके अंदर मैं ब्लू कलर कर दूँगी, मेरे पास ब्लू कलर पड़ा हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा इसके अंदर कर दूँगी, जैसे पानी हो बीच में। और इसके यहाँ एक स्टिक लगती है ना, वो लगा दूँगी, लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ब्लू कलर लाइट लाइट किया है, ज़्यादा नहीं किया। और ऊपर ये जो स्टिक है, जो ऐसे डोरी डाल के खींचते हैं पानी को, वो लगा दी है। और अब इसके ऊपर लगाएंगे छत। छत लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देंगे।
तो ये देखिए मैंने ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब सेम ऐसा ही डिज़ाइन मैं इधर बनाऊंगी, क्या करूंगी ऐसे, डिजाइन बनाते चले जाएंगे या पूरे में डिजाइन बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ दोनों तरफ ये डिजाइन बना लिया। अब क्या मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ चिपका दूंगी ग्लू गन से, इसको ऐसे लगा देती हूँ, ये देखिए इसको लगा देती हूँ। और ये मेरे पास एक छोटी सी बाल्टी पड़ी थी, मैंने यहाँ उस पर ये डोरी लगा दी है, ये देखिए। मैं इसमें पेंट वेंट कुछ नहीं करूँगी, इसको ऐसे रहने दूंगी और इसको भी यहाँ लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये इसको मैंने बाल्टी को यहाँ लगा लिया है। अब मैं क्या, मेरे पास कुछ फ्लावर पड़े हुए थे तो मैं वो फ्लावर यहाँ लगा रही हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ फ्लावर लगा दिए। और मैं ये यहाँ भी लगा दूँगी, जैसे एक क्रीपर होती है उसकी जैसे कि कोई बेल ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल उसके जैसे मैं यहाँ भी लगा दूँगी थोड़े से। ऐसे लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ सारा लगा लिया है। अब क्या करूँगी, मैंने ये मेरे पास एक डॉल पड़ी हुई है, मैंने बना के रखी हुई थी। अब मैं इसका क्या करूँगी, इसको ग्वालन बनाऊँगी और यहाँ पर ऐसे इसको पकड़ा दूँगी। तो फिर इसको मैं ग्लू गन से चिपका लेती हूँ। ये मेरे पास कुछ फ्लावर पड़े हुए थे, मैं उनको क्या करूंगी यहाँ यहाँ लगा दूंगी ऐसे, इनके पीछे ऐसे ग्लू लगी हुई है, मैं बस ऐसे उतारूंगी और इनको ऐसे लगा दूंगी। ये पिंक के पीछे नहीं है, इस पे पीछे मुझे ग्लू लगानी पड़ेगी और मैं ग्लू लगा के इसको ऐसे चिपका देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी झांकी का फाइनल लुक है और मेरी झांकी बनके रेडी हो गई है। आपको कैसे लगी ये बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।